Egipt'teki çocuğun katili İsrail mallarını almayalım. İsrail diyor ki Müslüman, senin malını, senin çocuğunu aldığım paranla öldürüyorum. Allah. मोहतरम नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम, आप अपनी स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको एक बुजुर्ग शख्स पर्चे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं बात करूं इन बुजुर्ग शख्स की तो ये तुर्की के हैं और ये तुर्की में पर्चे बांटकर इजरायली उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं और लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐ मेरे भाइयों, इजरायली प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करो क्योंकि वो इजरायल जो फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मार रहा है, वो इजरायल जो उनके घरों को तोड़ रहा है, वो इजरायल जो नौनिहाल दूध पीते बच्चों पर जुल्म रहा है, अगर आप उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो और ज्यादा मजबूत होगा और इसी तरह से वो इसराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म उठाता रहेगा। बेबेक कातिले, बेशिक्तेकि çocuğun katili İsrail mallarını almayalım. İsrail diyor ki Müslüman, senin malını, senin çocuğunu aldığın paranla öldürüyorum. Allah mahşerde defterinize katil yazacak. अगर उसे कमजोर करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म बंद कर दे तो उसे आर्थिक तौर पर कमजोर करो और उसके बनाए हुए किसी भी प्रोडक्ट का सेवन ना करो। वो कह रहे हैं कि इसराइल कहता है कि मैं आपके पैसों से गाजा के मुस्लिम बच्चों को मारता हूँ, यानी कि जो आप मेरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं मैं उन्ही पैसों से हथियार खरीदता हूँ, मैं उन्ही पैसों से गोला बारूद खरीदता हूँ और वही गोला बारूद, वही हथियार फिलिस्तीन के निहत्ते बच्चों पर बरसाता हूँ, बमबारी करता हूँ और तरह से उनका कत्ले आम करता हूँ। Ben çocuk öldürmedim. Diyecek ki Rabbul Alemin, sen İsrail'in kolasını aldın, sen İsrail'in Pepsi'sini aldın, sen İsrail'in Omo'sunu aldın, sen İsrail'in tek şekerini aldın. ए मुसलमानों, हमें भी चाहिए कि जितना हो सके हम इसराइल के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, उनका बॉयकॉट करें और इसराइल को कमजोर करने का काम करें। अगर इसराइल कमजोर हो जाएगा तो यकीन मानिए कि वो फिलिस्तीन पर अपना जुल्म ढाना बंद कर देगा, फिलिस्तीन के बच्चों को मारना बंद कर देगा। आइए आज हम खुद से एक वादा करें कि हम इसराइल के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे। दोस्तों, आप इन बुजुर्ग की इस वीडियो से कितना सहमत है कि ये तुर्की में खड़े होकर तुर्की के लोगों को पर्चे बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसराइल के किसी भी उत्पाद का सेवन ना करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली किसी नई वायरल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।